आप देख रहे हैं जनसंसद लाइव, जनजन की बात जनजन के साथ। अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज, अरावली नॉलेज कैंपस एट उमेरा, उदयपुर, राजस्थान। अगर इंजीनियरिंग है आपका लक्ष्य और आप एक अच्छे कॉलेज की तलाश में हैं, कोर्सेज ऑफर्ड, बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा इन एसएस पॉलिटेक्निक कॉलेज। For details, contact SS Hills, Jamar Kotla Road, Umra, Udaipur. Contact. देश के 22 दलों के विपक्षी नेताओं और कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इसमें हाल ही में अफान तूफान की राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई। चर्चा में रेगुलेशन भी पास किया गया जिसमें राहत और पुनर्वास प्राथमिकता देने की बात कही गई। बैठक के बाद विपक्षी दलों की ओर से जारी साझा बयान में कहा गया कि सरकार के लिए ये वक्त शोमैनशिप और वनमैनशिप का नहीं है, बल्कि समय संयुक्त प्रयास का है जो देश की जनता के हित में हो। बात है तो 25-25 किलो जो है अगले 6 महीने तक उन लोगों को राशन देने की बात की जाए। लेबर लॉ के जो चेंजेस जो हो रहे हैं उसका हम लोगों को विरोध करना होगा, और खास तौर पे मेरे ख्याल से यूपीए का जो काम रहा है मनरेगा और राइट टू फूड स्कीम, उसको हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करने की जरूरत है। अब जो लेबर जो है वो काम उनका नौकरी छूट गया, वो वापस बिहार आ रहे हैं, अपने प्रदेश वापस आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? तो मनरेगा जैसे जो योजनाएं थी उनकी जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो है स्पेशली जनरेशन में, स्पेशली फॉर द रूरल, हम लोगों को इस पर भी सरकार को घेरना चाहिए और डिमांड करना चाहिए। और बीजेपी का जितना भी फेलियर रहा है उसको हम लोगों को एग्रेसिवली एडवर्टाइज करना पड़ेगा। जो सच्चाई है अब हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? मैडम सोनिया जी हैं और सभी 22 पार्टी के लीडर्स यहाँ बैठे हैं। वी शुड कम विथ अ एक्शन प्लान, एक अच्छा बड़ा आगे का भी प्लान बनाने के लिए। ये पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा, और बीजेपी की जितनी चीजें हैं उसको हम लोगों को फेलियर्स को लगातार एग्रेसिवली गिराने का काम करना है। और ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि सारी बातें जो है मोटा मोटी आप लोगों के बीच आ गई है। और मैं स्पेशली धन्यवाद दूंगा सोनिया मैम को कि आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, और मैं चाहूंगा कि ये फ्रिक्वेंटली जो है ये होता रहे। एज पर राहुल गांधी जी एज सेड कि ये स्टेट लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, तो इट विल बी बेटर कि हम जैसे रीजन्स पार्टी जो है उनसे भी राय मशवरा लें, क्योंकि हम लोग स्टेट को सारी चीज़ों को अच्छे से जान रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे भी पंचायत बूथ तक जो लोग हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो सब लोगों के सामने आए, शेयर करें, और एक्चुअल जो पोजीशन है गांव की वो हम लोग जो है बात करके सिचुएशन को उस हिसाब से आगे का कोर्स हम लोग डिसाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। अजमल जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, माफ कीजिए। कोरोना वायरस और आर्थिक संकट इतना बड़ा है कि सरकार और विपक्ष को आपस में राय मशवरा कर जनता के कल्याण का काम करना चाहिए। जनसंसद लाइव के लिए नसीम अहमद और मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।